यहां से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आ जाओ जनाब, हम एक के खिलाफ जीत गए लेकिन हजारों हमारे मुंतजर हैं।
इफ्तार में कितना वक्त है हुसैन? जनाब अभी काफी वक्त है, रोजा लग गया ना? हाँ जनाब ये बात तो है। एक बार वो मोहर मिल जाए हुसैन, उसके बाद हमारा वक्त जरूर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा जनाब इंशाल्लाह। सिपाहियों खात। चाउंदर बाइंदर ऐसे कहां जा रहा है? ऐसा लगा जैसे कोई काफिर रोक रहा है मुझे। खैरियत तो है तुर्कुत साहब, क्या भाइयों का खून बहाने आए हैं? भाइयों का नहीं, हम गद्दारों का खून जरूर बहाएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं था, तुम ये समझते थे इस गद्दारी का हिसाब नहीं होगा। अगर तुम रास्ते से हट जाओ तो तुम्हें माफ कर दूंगा मैं। ये चालें अब काम नहीं आएंगी, तुम्हारा रास पहले ही खुल चुका है। नाइमान के साथ तुम मिले हुए हो, अब ये पूरी दुनिया जानती है। यानी उस्मान हमारे जाल में फंसा ही नहीं? हाँ। लेकिन हथियार नहीं डालूंगा मैं, हरगिज नहीं। मुझे नहीं लगता ये कोई अकलमंदी का काम है बाइंदर। सिर्फ एक बार कहूंगा, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। तुम हमारे कैदी और तुम्हारा कारवा हमारा है। यह आसान काम नहीं होगा तुर्कुत। आओ फिर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी नहीं, हमें अब भी तुम्हारी जरूरत है। उठो, तुम वही करोगे जो करते आए हो। तुम इस बार नाइमान को धोखा दोगे और उस मोहर को हासिल करने में हमारी मदद करोगे। उतान, इसे घोड़ा गाड़ी के साथ बांध दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलो। जलाली, सावेली को तलाश करो, तब तक हम सुल्तान को तलाश करेंगे। हाँ तलाश करते हैं। वालदा सुल्तान, वजीर को पहले ही मालूम था कि हम आ रहे हैं, तो हम सबको फैल जाना चाहिए ताकि सुल्तान अलाउद्दीन को ढूंढ सके। ये बहुत खतरनाक है बाला खातून। और कोई चारा नहीं वालदा सुल्तान, सवेली को रोक सकता है जो, वो सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन है। मोहतात रहिएगा। शुक्रिया आपका। गजा मुबारक हो आपको। खवातीन, हवा
बाला खातून। किसकी नियत और किसकी किस्मत तुर्क मुहावरा, मैं तो वालदा सुल्तान का मुंतजिर था। वो हो या मैं हूँ वजीर, जान तो जाएगी तुम्हारी, याद रहे। सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ है? अगर उन्हें जरा सा नुकसान पहुंचाया गया, जाऊंगा मैं उसका सर नाइमान के सामने फेंक दूंगा, मगर आप ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। जब शेर पर मुश्किल आती है तो गीदड़ भी अपने आप को बहादुर समझता है। आ जाओ आगे, ताकि हम तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से जुदा करके फेंक दें। हालात बदल चुके हैं, शेर भी मैं हूं, भेड़िया भी। सब तैयार हो जाओ, जब एलची आएगा हम दाखिल हो जाएंगे। घोड़ सवार आ रहे हैं कमांडर नाइमान। सिपाहियों तैयार हो जाओ। नाइमान, इन सिपाहियों के पीछे क्यों छुप रहे हो? खुद सामने आना अगर इतनी हिम्मत है। तुमने शहर का दिफा किया, मेरे सिपाहियों को तबाह किया, सरजमीन तुम्हारे पास है, मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। मैं तुम्हारी जान और तुम्हारा खून लूंगा। मेरा दिल ईमान के नूर से मुनव्वर है, क्या तुम्हारा ईमान मुझसे तुम्हें बचा सकता है? वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा इख्तिताम होगा। मैं आखिरी बार तुम पर रहम कर रहा हूं, अब मजीद खून नहीं बहेगा। आखिरी बार उस्मान। क्या? हाँ, कल गुरूबे आफ्ताब के वक्त तुम कारा औले गाओगे, वहां सिर्फ मैं और तुम होगे। हम मैदान में उतरेंगे, उस मैदान में से हम में से सिर्फ एक ही अपने सर के साथ बाहर आएगा। आखिरी खून रेजी उस्मान। तो फिर तैयार रहो, जब मैं मैदान में पहुंचूंगा और तुम्हारे सामने तलवार निकालूंगा तो फाते बनकर ही निकलूंगा वहां से। हाँ, मुझे कबूल है, कल जब तुम्हारा सर उतारूंगा तो तुम्हारे ये नौकर भी सरजमीन पर नजर नहीं आएंगे। अपने सरदारान को बताओ, जब मैं तुम्हारा सर अपनी तलवार पर लहराऊंगा तो वो बैत करेंगे। कल आखिरी दिन होगा तुम्हारा और इस सरजमीन पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। सिपाहियों मत करो ऐसा, कैदियों पर यूं जुल्म मत करो। अब इन्हें उठाइए और संदान में ले जाइए। जो जख्मी है उनका इलाज करवाइए,
नायमान का सर तन से जुदा करते जिनका फिदिया अदा किया गया है उनको हम रिहा कर देंगे। हाँ, मगर इनमें से अगर कोई भी गुनाहों की तौबा करके मुसलमान होना चाहता है तो मुझे बता सकते हैं। इनके हथियारों की जरूरत है हमें, आ जाओ। जो आपका हुक्म। मेरे भाइयों, भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? तुम ठीक हो ना? फिक्र नहीं करो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उमरा लब्दार, बताइए इनकी हालत कैसी है? ठीक हो जाएंगे जनाब, अल्लाह की मदद से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, जनाब, नायमान और उसके साथी मुहासरा खत्म करके पीछे हट गए। ये उसकी आखिरी जंग होगी, कुछ ना कुछ तो करेगा, पीछे नहीं हटेगा। वैसे सोच कर रहे हो, हाँ? कारगुन कबीले से मलहून खातून ने खबर भेजी है। क्या? आक्तिमुर साहब ने कारगुन कबीले में ओहदा कबूल कर लिया। क्या? बोरान, हुजूर, बुलाओ सरदारान को। दीवान मुनक्किद होगा अभी। कारगुन कबीले से अख्तैमूर को भी आने की दावत दीजिए और यहां से बाकी सब लोग मेरे साथ चलेंगे। जो सरदार का हुक्म। यहाँ से कोई फरार नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से फरार होने के लिए आई हूँ? तुम्हारी जान लेके जाऊंगी। अब इर्द गिर्द नजर रखो। सुल्तान वो हर जगह है। इस महल में मौजूद एक सांप की जान ले ली जाएगी, याद रखना। या।